नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। इस गर्मी में यदि अचानक आपके एसी और पंखे बंद कर दिए जाएं और घंटों आपको रखा जाए, क्या स्थिति होगी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये एसी और पंखे बिजली जाने या कोई तकनीकी गड़बड़ी आने की वजह से नहीं हुई। मेयर को आ गया गुस्सा और उन्होंने बंद करा दिए एसी और पंखे। अफसर लगे तड़पने, बहने लगे पसीने। सबसे पहले ये वीडियो देखिए कि मेयर कैसे फायर हो रही हैं अफसरों पर। हमें तुझसे कुछ चाहिए नहीं, हमें कायदे से बात चाहिए कि हमारे पेड़ कटे तो एक एक जो हमारे सरकार की मंशा है, हमारे प्रधानमंत्री की, हमारे मुख्यमंत्री की मंशा है कि आप अगर पेड़ काटे तो उसको जनहित में आज काटे तो तुरंत उनके दरवाजे से उस पेड़ को उठा ले और या एक दिन में दो दिन में उसको उठा ले। लोग अपनी गाड़ी नहीं निकाल पा रहे हैं, लोग दिन में 50 तो फोन कर रहे हैं, ये जनहित में काम है। लेकिन आप लोगों को, हमारी सरकार को बदनाम करने के अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन ऐसा बात हो नहीं पाएगा। हम पेड़ काटे थे, पहले हमने इसको लोड करके हमने, अरे लोड नहीं, आपने जिस तरीके से नगर निगम के अंदर पैसे देने आए थे जिसके संबंध में हमने नगर निगम में वन अधीक्षक को पेमेंट देने के जब हम गए थे तो वन अधीक्षक ने चिट्ठी के द्वारा क्लियर कट इसमें लिखा है कि सामाजिक वानिकी और मूल्यांकन के क्रम में, मूल्यांकन क्रम में हमने जो 41,598 रुपए था वो जब हम जमा करके लिए मूल्यांकन शीत ऋतु में किए जाने वाले लकड़ी पर व्यय के दृष्टिगत उप पेड़ों का पाचन कर लकड़ी शीत ऋतु में अनाव जलाया जाना उचित प्रतीत होता है, इसलिए मूल्यांकन के वृक्षों का पाचन करते हुए लकड़ी को कानपुर नगर निगम मोती जी स्थित नर्सरी में जमा कराया जाना उचित होगा जिससे शीत ऋतु में उक्त लकड़ी का अनाव जलाया जाए उपयोग में लाई जा सके। तो हमने ये पेड़ जितने भी काटे, अभी 8 पेड़ इसमें से काटे, 8 के 8 पेड़ों की लकड़ी हमने मोती जी के अंदर जमा करा दी है। तो हमारे साथ चलो, अभी देखो कहा है मैम, वो जो लकड़ी है वो वन विभाग के वृक्षों की है, जो वन विभाग ने वृक्ष काटे हमारे लिए 21 काटे हुए जमा कर, उसमें से 8 ही काटे हुए। ये कानपुर की नई नई दोबारा चुनी गई मेयर प्रमिला पांडे हैं। इनको इस बात पे गुस्सा आया कि मेट्रो अफसरों ने पेड़ कटवा दिए, लेकिन उसके बदले में जो वैधानिक प्रक्रिया है पेड़ के बदले में, वो इन्होंने, ऐसा मेयर का कहना है कि नहीं कराया। अफसर सफाई दे रहे हैं, मेयर सुनने को तैयार नहीं। उनका कहना ये है कि जब तक आप एहसास नहीं करेंगे कि आपने गलती की है तब तक आपको माफ़ी नहीं। एसी और पंखे बंद करा दिए मीटिंग हॉल के, इसके बाद जब चाय और नाश्ते की बारी आई तो उसे भी लौटवा दिया। क्योंकि मेयर मीटिंग ले रही थी इसलिए अफसर उनकी बात मानने को मजबूर थे। यूं भी अफसर तो ठहरे लाट साहब, वो कहाँ मानने वाले हैं। तर्क देते रहे लेकिन मेयर भी टस से मस नहीं हुई। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पे जम के वायरल हो रही है। रही न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।